हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी मसाला की सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 500 ग्राम भिंडी ले लिया, उसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिया अच्छे से। उसके बाद फिर भिंडी के दोनों किनारों को कट कर देंगे। उसके बाद भिंडी के, छोटी भिंडी है तो दो स्लाइस कर लेंगे और बड़ी भिंडी है तो तीन टुकड़े में काट लेंगे। इसी तरह से हम सारी भिंडी काट लेंगे। देखिए मैंने सारी भिंडी इसी तरह से काट ली है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें तेल डाल देंगे पैन में। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारी भिंडी डाल के फ्राई कर लेंगे। भिंडी को 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ऐसे चलाते हुए। उसके बाद फिर इसको ढक देंगे। ढक के 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक भिंडी हमारी फ्राई हो रही है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें प्याज काट के डाल देंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ली है। उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और एक लहसुन की 5-6 कलियाँ डाल देंगे। फिर इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे। उसके बाद फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और ये नमक डाल दिया मैंने और थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। उसके बाद एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इधर हम चेक करते हैं कि हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है या नहीं। देखिए हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है और ये मैंने मसाला भी पीस के तैयार कर लिया है। तो हम भिंडी को निकाल लेंगे पैन में से। मैंने भिंडी को निकाल लिया है, भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम पैन में तेल डाल देंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे। उसके बाद मसाले जो मैंने पेस्ट बना के रखे हैं उसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे। मसाले को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद फिर इसको ढक देंगे। 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ, 3-4 मिनट हो चुके हैं तो मैं चेक कर ली हूँ मसाले को। मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। और अब थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल देंगे। नमक मैंने पहले भी डाला है मसाले में इसलिए नमक बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे। चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अमचूर नहीं है। अब सब मिक्स कर देंगे और इसमें हम कोई भी गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे। ये सब्ज़ी वैसे भी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अब 5 मिनट ढककर पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, हमारी चटपटी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मैं इसको निकाल ले रही हूँ, सर्व कर दे रही हूँ। उसके बाद इस पर हरी धनिया की पत्ती डाल के गार्निश कर देंगे।
और इस सब्ज़ी को हम पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी शेयर करूँ आपको ज़रूर मिले। तो देखिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर सुबह वैसा।